संगठित अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंपियरगंज थाने की पुलिस टीम द्वारा गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म कारित करने वाले गिरोह के दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि गैंग सरगना पिंटू पुत्र मोहन और रामकरण पुत्र बिजली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कैंपियरगंज द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है। इनके नाम पिंटू और रामकरण है। इन्होंने थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म की घटना अंजाम दी थी। इनकी संपत्तियों के बारे में भी छानबीन की जाएगी तथा अवैध अर्जित संपत्तियों के 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।